Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. I hope you all are doing great. So if you're new here, then please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. So guys, in today's video, I'm going to share with you my favorite moisturizer that equally gives you dewy, luminous finish and इंस्टेंटली आपकी स्किन पर बहुत अच्छा वर्क करेगा. सो या गाइज, मैंने जो यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लिया है अपनी स्किन के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा है. पास्ट फ्यू मंथ से मैं उसे ट्राई कर रही हूँ एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे उसके मिले. सो आज की वीडियो में मैं इस मॉइस्चराइज़र की क्यों बात कर रही हूँ, पर्टिकुलरली इसके इंग्रीडियंट की वजह से एंड इसके वर्क की वजह से. सो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं छोटे छोटे एक्नेस, वाइट हेड से एंड ब्लैमिशेस से, तो आपको ये वाली क्रीम प्रेफर करनी चाहिए. सो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, कि मैंने इसको क्यों चूज़ किया अपनी स्किन के लिए. सो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे स्किन पर एक छोटा सा पिंपल, ऐसे छोटे दाने यहाँ पर मुझे 3-4 हो गए हैं. ऐसे काफ़ी टाइम से चल रहा था. देन आई रियलाइज कि मुझे अभी अपना स्किन केयर चेंज करना चाहिए एंड कुछ इंक्लूड करना चाहिए. एंड फिर मैंने प्रोडक्ट देखा ऑनलाइन, प्लम का राइस वाटर एंड नायसनामाइड क्रीम, जो कि एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है, बट एट द सेम टाइम वो आपकी स्किन को बिल्कुल भी हैवी एंड ग्रीसी नहीं करता. बहुत सारे मॉइस्चराइजर ऐसे हैं जिन्हें अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी, हैवी एंड ग्रीसी फील होती है. तो हमें हमारी स्किन में डीप हाइड्रेशन तो चाहिए ही, बट हैवीनेस एंड ग्रीसीनेस नहीं चाहिए. सो आई थॉट वाई नॉट पिक करते हैं इसे एंड देन ट्राई करते हैं एंड उसके बाद आप लोगों के साथ अपना रिव्यू और आप फीडबैक भी समझ सकते हैं जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. सो वो प्रोडक्ट है, वो है ये. ये है प्लम का राइस वाटर एंड 2% नायसिनामाइड क्लियर मॉइस्चर जेल क्रीम, फेड ब्लेमिशेस, रेगुलेट सीबम ओवर प्रोडक्शन एंड ये 50 ग्राम की टब आपको मिल जाती है गाइज. सो आप देख सकते हैं पैकेजिंग इज क्वाइट अमेजिंग. मुझे इसकी पैकेजिंग काफ़ी पसंद आई है. ऑलमोस्ट डिटेल इस पर मेंशन है एंड इसका प्राइस है 525 रुपीज़. सो ये आपको 525 में मिल जाएगी, बट अगर आप मेरे दिए हुए कोड से इस प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. सो ये आपको उससे कम प्राइस पर मिल जाएगा. सो इनकी इंग्रेडिएंट की डिटेल्स एंड ये ऑल्सो वेगन फ्री प्रोडक्ट है एक, तो सारी डिटेल्स इनके इस कार्डबोर्ड पर दी हुई है. सो अंदर से पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है. एक क्यूट सी कांच का जार आपको मिल जाता है जिसके अंदर आपको इस तरीके की क्रीम विजिबल तो नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी विजिबल है, पास से देखने पर पता चलता है. सो कुछ इस तरीके का ये टब मिल जाता है एंड इसके अंदर मिलता है आपको वो जो आपकी स्किन पर अच्छे से वर्क करता है. सो ये इस तरह की डबल सील्ड पैक में आता है. इनफैक्ट अभी मैंने न्यू ही लिया है ये. ये कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी के साथ आता है एंड ये एक जेल बेस्ड क्रीम है. लाइक ये नॉर्मल क्रीम की तरह नहीं है. इसका जो टेक्स्चर है वो काफ़ी जेल बेस्ड फॉर्मूला है इसका एंड इस तरीके की पैकेजिंग में आता है डबल सील्ड. तो अगर आप कहीं बाहर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है. एंड ऑल्सो ये पैराबिन सल्फेट क्रुएलिटी फ्री प्रोडक्ट है. इसके अंदर भी कोई भी सिंथेटिक फ्रेग्रेंस या कलर ऐड नहीं किया हुआ है. सो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं जिनके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं ऐड होती, जिनके अंदर कोई भी कलर ऐड नहीं होता. वो काफ़ी अच्छे से आपके स्किन में परफॉर्म करते हैं एंड इरिटेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं. सो मुझे ये प्रोडक्ट ट्राई करना था, दैट्स वाई मैंने इसको बाय किया. ट्रांसपेरेंट सा टेक्सचर है एंड इसको जब आप अपने स्किन में लगाते हैं तो ये अब्सॉर्ब तो होता ही है, बट एट द सेम टाइम हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड काफ़ी ज़्यादा ना लाइट वेट है. इसको लगाकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ हैवी सा अपनी स्किन पर लगा रखा है. ये बहुत अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है. इस क्रीम ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है मेरी स्किन पर एंड मेरी स्किन को काफ़ी फ्लॉलेस फिनिश एंड डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है एंड रेड रेड जो ब्लेमिशेस थे उनको भी काफ़ी कम किया है. अभी मैंने कोई मेकअप नहीं कर रखा, बस ये सिरम एंड मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है एंड मेरी स्किन अभी भी काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस लग रही है. मुझे तो काफ़ी सही लग रही है. एक तो छोटे मोटे दाने हैं वो होते रहते हैं, नेचुरल है, इट्स टोटली नेचुरल. मतलब मैं उन्हें देखे अब परेशान नहीं होती क्योंकि मुझे मेरी स्किन केयर का सीक्रेट मिल गया है एंड जब तक ये प्रोडक्ट है डेफिनेटली मेरी स्किन पर कुछ नहीं होने वाला. मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ इन प्रोडक्ट को ट्राई करके. इसके अंदर भी है नायसिनामाइड एंड राइस वाटर. सो राइस वाटर यू नो कि आपके स्किन से डार्क स्पॉट्स को, मार्क्स को रिड्यूस करता है, स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, लाइक ब्राइट करता है आपके स्किन को. एंड नायसिनामाइड ऑलरेडी आपके स्किन से हाइड्रेशन को बूस्ट करता है, एक्ने पिंपल को रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एंड ये आपके स्किन को ना
बहुत ही ब्यूटीफुल से फिनिश प्रोवाइड करता है एंड काफ़ी इफेक्टिवली आपके स्किन बैरियर को इम्प्रूव करने में वर्क करता है। सो जब आप सिरम एंड मॉइस्चराइजर का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली एक रूटीन में, तो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है आपकी स्किन पर एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। सो आई होप कि गाइज आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी एंड ये मॉइस्चराइजर का रिव्यू भी आपको अच्छा लगा होगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें एंड इफ आप इसे ट्राई कर रहे हैं एंड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड मिलेगा, ऑल्सो मेरा कूपन कोड भी आपको वहां पर मेंशन मिलेगा, एज वेल एज मैं स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कर दूंगी ताकि आप इजिली यूज कर सकें उस कोड को। एंड बाय द वे ये मेरा एब्सोल्यूट पर्सनल रिव्यू था, जो मैंने फील किया वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।